नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप एज अ बॉर्डर या फिर एज अ डिज़ाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सम की संख्या में फंदे चाहिए, यानी इवन नंबर में फंदे चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर उन दूसरी ओर करेंगे और पहले दूसरे वाले फंदे को, ये दो फंदे हैं, इनको ढीला कर लीजिए, पहली लाइन में थोड़ी परेशानी होती है। दूसरे फंदे को पहले सीधा बुनेंगे, फिर पहले वाले फंदे को सीधा, फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर ये दूसरे फंदे को पहले बैक साइड से लेंगे और सीधा बुन लेंगे। दूसरे फंदे को पहले बैक साइड से सीधा बुनेंगे, फिर पहले फंदे को भी बैक साइड से ही सीधा बुन लेंगे। फिर दो फंदा उल्टा, नेक्स्ट दो फंदा लेंगे, पहला वाला फंदा छोड़ देंगे, पहले दूसरे वाले फंदे को बैक साइड से सीधा बुनेंगे, फिर पहले वाले फंदे को, इसे भी हम बैक साइड से ही सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट दो फंदे उल्टे और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड, पहला फंदा उल्टा, फिर दो फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और ये दो फंदे हैं जिसमें हमने डिज़ाइन बनाया है। तो पहले दूसरे वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर नेक्स्ट दो फंदे हैं। तो पहला फंदा भी हम छोड़ देंगे, पहले दूसरे वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे, फिर पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट दो फंदे सीधे, उन अपनी ओर करेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बना लेंगे। अब थर्ड रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा सीधा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदे उल्टे। देखिए, इस फंदे में, इन दो फंदों में हम डिज़ाइन बना रहे हैं। तो पहले फंदे को अभी छोड़ देंगे, दूसरे वाले फंदे को मैं बैक साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और पहले इसे सीधा बना लेंगे, फिर पहले वाले फंदे में भी हम बैक साइड से ही सीधा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा। फिर अगले दो फंदे को हमें सीधा बुनना है, लेकिन फ्रंट से ना बुन के हम बैक से बुनेंगे। बैक साइड से पहले दूसरे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर पहले वाले फंदे को भी बैक साइड से ही हम सीधा बनाएंगे। फिर दो फंदा उल्टा, फिर से देखिए, ये दो फंदे हैं जिस पे हमें डिज़ाइन बनाना है। तो इसे हम पहले बैक साइड से दूसरा वाला फंदा लेंगे और सीधा बना लेंगे, फिर पहले वाले फंदे को भी हम बैक साइड से ही, देखिए हम पीछे सिलाई डाले हैं, तो बैक साइड से ही हम सीधा फंदा बनाएंगे। इससे ये, देखिए, ये घूम जाएगा। फिर दो फंदा उल्टा लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे सीधा है। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदे, ये जो हमने उल्टे बुने थे, यहाँ सीधे आए हैं, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे।
और ये दो फंदे जिस पे डिज़ाइन बना रहे हैं, तो पहले दूसरे वाले फंदे को उठाएंगे, उल्टा बना लेंगे, फिर पहले वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदे सीधे हैं, इसे हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए इन दो फंदों में डिज़ाइन बन रहा है, तो पहले उन्हें अपनी ओर करेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर पहले वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, इन दो फंदों पे ही हम डिज़ाइन बना रहे हैं, तो पहले दूसरे वाले फंदे को लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर पहले वाले फंदे को लेके उल्टा फंदा, उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा। देखिए ये हमारा ऐसे घूमने लगा है। अब पहले वाले फंदे को एज स्टिच है इसे स्लिप कर लेंगे, दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, ये दो फंदे हैं। देखिए ये डिज़ाइन जो बन रहा है, तो पहले इसे सीधी तरफ से ना बुन के हम रॉन्ग साइड से बुनेंगे। ये पहले दूसरे वाले फंदे में हमने सिलाई डाला बैक साइड से और इसे सीधा बना लिया, फिर पहले वाले फंदे में भी उल्टी तरफ हमने सिलाई डाला है पीछे की तरफ और इसे सीधा बनाएंगे ताकि ये घूम जाए। फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, इन दो फंदों पे हमें डिज़ाइन बनाना है, तो पहले बैक साइड से दूसरे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर बैक साइड से ही पहले फंदे को भी सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, ये दो फंदे सीधे हैं तो इसे पहले दूसरे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे बैक साइड से, फिर पहले वाले फंदे को भी हम बैक साइड से ही सीधा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, एक फंदा सीधा, ये एज स्टिच है इसे सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से पहला फंदा एज स्टिच है इसे स्लिप कर लेंगे, ये दो फंदे सीधे हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे। अब देखिए ये दो इस पर डिज़ाइन बन रहा है दो फंदों पे, तो पहले दूसरे वाले फंदे को लेके उल्टा बनाएंगे, फिर पहले वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे, दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, इन दो फंदों पे डिज़ाइन बना है तो पहले दूसरे वाले फंदे को लेके उल्टा बनाएंगे, फिर पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, इस दो फंदों पर डिज़ाइन बना है तो इसे हम पहले दूसरे वाले फंदे को लेके तब डिज़ाइन बनाएंगे, तब पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, दो फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे उल्टा बुन लेंगे। तो दो लाइन का ही ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन आपके सामने है, देखिए इसमें मैंने बनाया हुआ है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और बैक साइड से ऐसा। इसे आप एज अ बॉर्डर या फिर एज अ डिज़ाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। फंदे डालने के बाद आप डायरेक्ट इसे डालिए और पूरे स्वेटर में इसे आप बनाइए, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।